इनुकी, जहां तक हम बात करें, आज आप देख रहे होंगे काफी टाइम के बाद शिबा इनु जो है 8 से 10% ग्रीन में चल रहा है। काफी टाइम के बाद 8 से 10%, 10% का भी पंप हम काफी टाइम के बाद देख रहे हैं शिबा इनु में। और ये पंप क्यों आ रहा है, हमने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था आपके साथ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर से जरूर कीजिए। वहां आपसे कोई अपडेट मिस नहीं होगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट रहते हैं वहां भी आपके साथ हम शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। बात करेंगे शिबा इनु की, 8 से 10% का पंप आ रहा है, क्या यहाँ से एक स्टार्टिंग हो रही है एक बड़े पंप की, और क्या कुछ चल रहा है शिबा इनु को लेके, और क्या कुछ चलना चाहिए जो नहीं चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आज शिबा इनु का प्राइस चल रहा है 5-0 के साथ 8 की सीरीज पे। 8 की सीरीज आ चुकी है शिबा इनु की, और आप देख रहे हो काफी अच्छा लो लगाया शिबा इनु ने, 5 की सीरीज तक लेवल गए, 5-6 तक, और 5-0 पे अभी लेवल चल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शिबा इनु मूव कर रहा है, ये 5-0 में से 1-0 हटा सकता है जल्दी। क्यों? क्योंकि काफी टाइम हो गया हम इस इन्हीं लेवल्स के आसपास देख रहे हैं शिबा इनु को। पहले 10-4-0 के साथ 10-12 कर रहा था, लेकिन अब 5-0 के साथ ये लेवल चल रहे हैं। तो शिबा इनु में पंप तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर आप शिबा इनु का पंप देखोगे, और एक ही महीना काफ़ी है शिबा इनु को। एक ही मंथ में शिबा इनु पूरी कसर निकाल सकता है और एक बड़ा मूव शिबा इनु का हम देखेंगे। लेकिन शिबा इनु को लेके अभी ज़्यादा कुछ मार्केट में बड़ा हो नहीं रहा है। शिबा इनु की टीम वैसे तो सब कुछ कर रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आई हैं शिबा इनु की, लेकिन अगर आप देखो इस साल कुछ ज़्यादा बड़ा यहाँ पे अपडेट्स नहीं आई हैं शिबा इनु की। सिर्फ शिबेरियम की अगर हम बात करें, उसके बाद एक टाइम था जब शिबा इनु की अपडेट्स रुकती नहीं थी, बैक टू बैक शिबा इनु की कभी लिस्टिंग होती थी। लिस्टिंग तो खैर सभी एक्सचेंजेस पे हो चुकी है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि शिबा इनु खराब है, इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग किया है शिबा इनु ने, लेकिन इस इकोसिस्टम के अंदर एक चीज़ की कमी है, उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगर वो कमी भी पूरी हो जाए तो शिबा इनु और भी अच्छा पंप कर सकता है। कुछ अपडेट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में 380-390 मिलियन टोकन बर्न हुए हैं शिबा इनु के, और जिसकी वजह से बर्न रेट बढ़ा है 6000%, 6000% तक जो है शिबा इनु का बर्न रेट बढ़ा है पिछले 24 घंटे के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें शिबा इनु का जो स्टेबल कॉइन मार्केट में अनाउंसमेंट की थी कि हम अपना स्टेबल कॉइन लेके आएंगे जिसका नाम होगा शी, और दूसरा ट्रीट टोकन जो एक रिवॉर्ड टोकन के तौर पे रहेगा वो भी लेके आएंगे, लेकिन अभी ये दोनों कॉइन लॉन्च नहीं हुए हैं। शिबा इनु की टीम ने कोई लॉन्चिंग नहीं किया है, ठीक है, सिर्फ अनाउंसमेंट की थी कि लेके आएंगे। लेकिन बहुत शायतोशी कुसामा भी यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी ये कॉइन लॉन्च नहीं है, तो किसी तरह के स्कैम में आप मत फंस जाना कि ये शिबा इनु का ट्रीट टोकन है जो लॉन्च हो गया है। बहुत सारे फेक कॉइन्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, तो उनसे आपको बच के रहना। और जल्दी ये कॉइन्स भी हम देखेंगे शिबा इनु के इकोसिस्टम में ऐड होते हुए, शी कॉइन और रिवॉर्ड टोकन। लेकिन एक जो कमी खलती है शिबा इनु के इकोसिस्टम में वो है शिबा इनु की सप्लाई। काफ़ी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन शिबा इनु की टीम को ये कर देना चाहिए और करना चाहिए। अगर वो कम्युनिटी की नहीं सुन रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। आप जितना मर्जी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, इकोसिस्टम को ग्रो कर रहे हैं आप, मेटावर्स पे फोकस कर रहे हैं आप, शिबेरियम पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। लेकिन शिबा इनु की सप्लाई, अगर आप ऑल इन वन एक बढ़िया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो शिबा इनु को, तो आपको एक ऐसा मैकेनिज्म लेके आना चाहिए जिससे शिबा इनु की सप्लाई बर्न हो। देखो नो डाउट शिबा इनु की सप्लाई बिल्कुल भी बर्न नहीं हो रही है, ये क्लियर है, कुछ भी बर्निंग नहीं हो रही है। ये मिलियन वाली बर्निंग कुछ नहीं कर सकती शिबा इनु का, और जब तक हम ट्रिलियन का नंबर नहीं देखेंगे, हमने पहले ही डिस्कस किया है कितनी बार, या तो ये मंथली बर्न करें कि इतना फिक्स टोकन करें, क्योंकि जितना फिक्स करेंगे वो कुछ ना कुछ तो बर्निंग होगी, इस मिलियन वाली से तो कुछ ना कुछ अच्छा बर्न होगा मंथली है, चाहे मंथली बर्न करें या क्वार्टरली करें। क्वार्टरली करना है तो वो एक बढ़िया स्ट्रेटजी रहेगी, BNB क्वार्टरली बर्न होता है, ठीक है, और क्वार्टरली मीन्स 3 महीने, हर 3 महीने में अगर बर्निंग हो तो एक अच्छे टोकन निकल सकते हैं सप्लाई में। लेकिन
ऐसा कोई मैकेनिज्म यहाँ पे सेट नहीं किया है। एक बर्न पोर्टल ले आए हैं, बर्न पोर्टल के जरिए भी कम्युनिटी बर्न कर रही है, कभी कोई कम्युनिटी कभी कोई बड़ी वेल टोकन बर्न कर देती है तो कर देती है, नहीं तो आज की डेट में जो शिबा इनू को होल्ड कर रहे हैं वो अपने टोकन्स बर्न नहीं करेंगे। हम भी आपको नहीं कहेंगे कि आप अपने टोकन बर्न करें, नहीं, यहाँ पे हम बर्न करने नहीं आए हैं। यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सारे कॉइन्स में, वो बर्निंग कर देंगे अपने खुद के कॉइन्स की तो फिर उनको क्या मिलेगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो वेल अगर बर्निंग करी है तो उनका सिनेरियो अलग है, उनके पास भरमार है टोकन्स की, अच्छी खासी उनके पास होल्डिंग्स हैं। अगर वो कुछ टोकन बर्न कर रही हैं हर 15-20 दिन में 300 मिलियन 400 मिलियन, तो उससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन भैया ट्रिलियन की सप्लाई है तो ट्रिलियन में नंबर निकालने पड़ेंगे, चाहे 3 महीने में बर्न करो चाहे 1 महीने में करो, और एक अच्छा फिक्स नंबर रखो कि आप इतनी बर्निंग करनी है। नो डाउट इकोसिस्टम अच्छा चल रहा है, सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, शिबा इनू थोड़ा ट्रैक पे आ रहा है, आगे और भी आ सकता है। लेकिन अगर हम और अच्छा बढ़िया रिजल्ट चाहते हैं अगले बुलरन में, और अभी भी टाइम है, अगर ये बर्निंग वाला सीनेरियो स्टार्ट हो जाए तो अगला बुलरन और भी धमाकेदार हो सकता है, और भी ज़बरदस्त हो सकता है शिबा इनू के लिए। तो हम भी ट्विटर पे इस मुहिम को हमने छेड़ रखा है, और आप भी जुड़िए हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सप्लाई को अगर बर्न नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी इकोसिस्टम ग्रो कर लीजिए, आप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट बना लीजिए, अगर उसकी सप्लाई ज़्यादा रहेगी तो वो एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगी प्राइस पे, ठीक है, आगे बढ़ने नहीं देगी जब तक आप उसकी सप्लाई को अनलिमिटेड से थोड़ा लिमिटेड नहीं करते जाओगे, तब तक कोई बड़ा मूव ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा रिटर्न नहीं देगा, रिटर्न देगा, लेकिन जो बड़े मूव हम चाहते हैं, जो बड़े लेवल हम चाहते हैं, वो सिर्फ सप्लाई को कम करने से हो सकते हैं, ठीक है, और जल्दी हो सकते हैं। जितना जल्दी करेंगे बर्न उतना जल्दी होगा, जितना लेट करेंगे उतना लेट होगा। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ गए होंगे सब कुछ। 7-8% की ग्रीनरी ज़रूर आ रही है शिबा इनू में, 8-10%, ठीक है, देखते हैं ये जो ग्रीनरी है ये कंटिन्यू रहती है या नहीं रहती है, और मे भी कंटिन्यू रह सकती है। और अगर कंटिन्यू रहती है तो फिर एक बड़ा पंप हम आने वाले कुछ महीनों में देख पाएंगे शिबा इनू का। तो किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बेहद ज़रूरी होती है, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।